नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। सबसे पहली चीज़, थैंक यू सो सो मच मेरे इंस्टाग्राम की इस 2023 के फ्लैशबैक रील्स पे इतने प्यारे कमेंट्स देने के लिए। इट्स रियली मेल्ट माय हार्ट एंड थैंक यू सो सो मच। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे, 2024 का फर्स्ट वीडियो है एंड पूरा 2024 पे हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्ब्स रेमेडीज, किस तरीके से वो आपकी वेट लॉस जर्नी को पुश कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक में छुपे हुए इतने सारे खजाने जो कि मेडिसिन के रूप में वर्क करती हैं। आज की वीडियो में मैं एक बहुत स्पेसिफिक मेडिकेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि इस सीज़न में हर किसी के घर में होनी चाहिए, और वो नाम क्या है, दारू हल्दी। नाम से दारू, काम में हल्दी। जो जो लोग बहुत ही पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी के लिए, अपने जीरा, अजवाइन, हल्दी पाउडर, सिनेमन पाउडर, ये सब जो आप यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करो, पर थोड़ा सा अपग्रेड होंगे अब हम ना। 2024 इज़ आ सीज़न फॉर अपग्रेड। मैं एक वीडियो डालूंगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा आयुर्वेदिक डाइट प्लान, एंड वो ट्रस्ट मी इतना इफेक्टिव डाइट है, पूरा का पूरा सिस्टमाइज चेंज डाइट प्लान है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा मेरे, एंड आप उसको फॉलो करके आराम से 10 से 15 किलो महीने में गिर सकते हो। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में हम फोकस करते हैं जो कि है हमारे दारू हल्दी। नाउ दारू हल्दी बहुत ईजिली पाई जाती है अमेजोन पे या फिर आपके, ये एक पेड़ की हल्दी है, पेड़ की छाल से निकलती हुई हल्दी है, इसको दारू हरिद्रा बोलते हैं आयुर्वेदा में। एंड ये जो हल्दी है बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के घर में कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट है, शुगर सबकी मम्मा पापा दादा दादी सबके घर पे, एक बंदा तो शुगर का मिलेगा ही मिलेगा, जिनको थायराइड बहुत ज़्यादा रहता है और बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है, जितनी भी दवाइयाँ ले लो बिल्कुल ठीक नहीं होता, जिनका स्टमक हमेशा ब्लोट रहता, फूला हुआ रहता है, और जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो है, जिनको बीमारियाँ बहुत जल्दी कैच करती है, जिसको कफ, कंजेशन और नाक पूरी टाइम बहती ही रहती है, और जिसका ऑट्रिवेन जो होता है ना, नेजल आपका स्प्रे होता है, वो बिल्कुल नहीं छूटता, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दारू हल्दी उन लोगों के लिए है। दारू हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे। ये एक आयुर्वेदा की सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन मैं मानती हूँ शतावरी के बाद। ये क्या काम करती है, इसका उबला हुआ पानी, इसकी उबली हुई चाय, इसकी भाप, इसका स्टीम जो हम लेते हैं, ये आपके अंदर के पूरे नोज से लेके, कान से लेके, ब्रेन से लेके, आपके गले से लेके, जितना भी कफ एंड कंजेशन आपको है उन सबको बाहर कर देती है, सबको बाहर कर देती है। अचानक से आप देखोगे आपके नसला जो है बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। नंबर टू, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपको हर जगह से जवाब मिल चुका है आपका शुगर बहुत पुराना है, 10 साल पुराना डायबिटीज़ है, 15 साल पुराना डायबिटीज़ है, आपका HbA1c 8, 9, 11, 12 से नीचे आ ही नहीं रहा, दारू हल्दी हम डाइट में ऐड करेंगे मॉर्निंग में, कैसे मैं अभी बताऊंगी। एंड आप अपना 30 दिन के अंदर HbA1c रिपीट कराना, आई कैन गारंटी यू आपका बिल्कुल नीचे आएगा, 3 से 4 पॉइंट तो नीचे आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, जिन जिन लोगों को अल्सर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनके स्टमक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, जिनका शाम होते होते स्टमक जो है वो बलून की तरह फूल जाता है, बिना कुछ गलत खाए पिए प्रॉपर डाइट करते हुए भी, दारू हल्दी उन लोगों के लिए काम करती है, उसकी चाय, उसका काढ़ा। नेक्स्ट, जिनका वेट बिल्कुल स्टक है, बिल्कुल नहीं हिलता, बिल्कुल भी उनका वेट बिल्कुल होल्ड हो चुका है, बिल्कुल नहीं हिल रहा कहीं से भी कुछ भी करके, दारू हल्दी का पानी जो है आपके स्टक वेट को पुश करता है, हिलाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट को इंस्टेंटली इतना स्पीड अप कर देता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रहा होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, आपके जो गट है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्गली कैच करता है और बिल्कुल पुश करता है आपके कॉन्स्टिपेशन एंड वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम को, और नेक्स्ट डे आपका वेट गिरा हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट इज़, जिन जिन लोगों के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी स्किन एलर्जी, स्किन में दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बैक में बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन रहता है, उनके लिए दारू हल्दी जो वर्क करती है मिरेकल का काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन जिन लोगों को फैटी लिवर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, भाई जिनको फैटी लिवर बहुत ज़्यादा रहता है, जिनका SGPT SGOT का रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, जिन्होंने स्कैनिंग कराया उनका Grade 2 फैटी लिवर है, Grade 3 फैटी लिवर है, आप दारू हल्दी का पानी अपनी डाइट में ऐड करो, विदिन 45 डेज आप देखना आपकी रिपोर्ट्स कितनी सही आती है। मेरी क्लाइंट्स की आई हुई हैं, SGPT SGOT बिल्कुल रेशो में बैक टू नॉर्मल आया है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत मिरेकल की तरह वर्क करता है।
नाउ अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि दारू हल्दी हम डाइट में ऐड कैसे करेंगे, हम उसको लेंगे कैसे, उसकी चाय, उसका पानी, हमको किस तरीके से अपनी डाइट में ऐड करना है। नाउ दारू हल्दी कैसे लेंगे, हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं दारू हल्दी की चाय और उसको सोक करके कैसे लेना है। सो ये देखो, ये होती है हमारी दारू हल्दी, ये एक पेड़ की छाल होती है जिससे हम दारू हल्दी कलेक्ट करते हैं। सो ये रही, और अगर आप इसको अपनी सब्ज़ी में डालोगे तो पूरा कलर येलो हो जाएगा सब्ज़ी का, और थोड़ी देर बाद ये जो छाल है हम निकाल लेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है हमने डाइट के अंदर और अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से हमें इसे डालना है, ऐड करना है। मैंने इसकी सिर्फ और सिर्फ ये स्टिक ली है, इस स्टिक को मैंने इसमें डाला, एक गिलास गर्म पानी डाला, कलर देख रहे हो हल्का येलो होना स्टार्ट हो गया है। पूरी रात इसको गर्म पानी के अंदर हमने सोक करना है, गर्म पानी के अंदर मैंने इसे डिप करा है, एंड सुबह उठ के इसको हल्का गर्म करके छान कर हम ले लेंगे। ये हमें रेगुलर बेसिस पे लेंगे 15-20 डेज तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कोल्ड कफ कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप दिन में दो बार ये वाला पानी ले सकते हो, आधा आधा कप गर्म करके एक गिलास पानी, एंड ये बिल्कुल कहते हैं ना ये गिलास फुल है पूरी की पूरी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेशन, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उन सब को टाटा बाय बाय करेगा। इतना स्ट्रॉन्ग इसके अंदर हमारा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये पानी अब हम बना रहे हैं दारू हल्दी की चाय। ये रही हमारे पास दारू हल्दी के लिए, चाय के लिए ये दो हल्दी की स्टिक्स छोटी छोटी ली है मैंने, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसको बॉयल होने देंगे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से। कलर देख रहे हो कितना प्यारा येलो गोल्डन कलर आया है इस हल्दी से। बस अब हमारी चाय बन गई है, ये हमने छान ली हमारी, एंड नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हम हनी। अगर आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप हनी डालेंगे। आधा चम्मच जितना मैंने इसमें शहद डाला है, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, एंड ये हम एज अ नाइट ड्रिंक ले सकते हैं और एज अ इवनिंग टी भी ले सकते हैं, और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं लेंगे। जैसे कि आपने रात का सोक किया हुआ पानी सुबह ले रहे हो और आप शाम को इसकी टी ले रहे हो, ऐसा नहीं करने का। या तो आप मॉर्निंग का पानी लेंगे या शाम की टी लेंगे या रात को इसको लेंगे, दोनों एक साथ नहीं लेंगे, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। वेलकम बैक जी। सो आई एम श्योर जो लोग अभी तक पिंच ऑफ हल्दी पाउडर सोक कर रहे हैं पानी के अंदर, या पिंच ऑफ हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी से अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने की, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा बॉडी को चेंज करते हैं, और सब लोग बाय करके आएंगे अपने लिए दारू हल्दी। अमेजोन पे मिल रहा है, पतंजलि के स्टोर पर मिल रहा है, कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। एंड उसको पाउडर मत यूज़ करना, उसकी पूरी छाल यूज़ करो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। पाउडर मत यूज़ करना, छाल यूज़ करो। अगर पाउडर मिल रहा है, मजबूरी का नाम है कि नहीं मिल रहा छाल, देन पाउडर यूज़ करेंगे। कोशिश करना 99.9% आपको छाल मिले। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैं एक और चीज़ पे गौर फरमाऊँगी, कोशिश करना आप अपनी सब्जियों के अंदर भी इस कड़कती ठंड के अंदर वो दारू हल्दी ऐड करो। एंड जो दारू हल्दी है ये तासीर में बहुत ही गर्म होती है, सो इसका जो क्वांटिटी है जितना मैंने बताया उतना ही लेंगे। ज़्यादा समझदार बनेंगे, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, ठीक है। एंड सबसे अलग बात, जिन जिन लोगों को पीरियड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, जिनके पीरियड्स आ ही नहीं रहे, जिनको पीरियड्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पीरियड्स का फ्लो नहीं आ रहा, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल हो गया, पीरियड्स आ ही नहीं रहा, वो लोग दारू हल्दी अपनी डाइट में ऐड करेंगे। एंड देन यू विल सी विद इन 5 डेज़ की कंजम्पशन के बाद आपको बहुत अच्छे से पीरियड्स आएगा, एंड इट विल वर्क लाइक अ मैजिकल ड्रिंक फॉर यू। जिन जिन लोगों को वेट लॉस करना है और वेट लॉस हो ही नहीं रहा, जिनका भूख पे कंट्रोल नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, 4 दिन डाइट करते हैं, 5वें दिन वो बिल्कुल लथार्जिक हो जाते हैं, दो इट्स नॉट अ लो कार्ब डाइट, ऐड दारू हल्दी इन योर डाइट। आप फिर देखो आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग से बिल्ड होती है और कितने अच्छी तरीके से आप अपनी डाइट पर फोकस कर पाते हो। दारू हल्दी ऐड करने के बाद आप 30 डेज़ को रेगुलर कंजम्पशन के बाद आप देखना आपकी बॉडी कैसे चेंज होती है, एंड अनदर पॉइंट आपका वेट कितना स्ट्रांगली शेड होता है अगर आप प्रॉपर डाइट करते हो। साथ साथ आराम से आप लोग लूज़ कर लोगे 8 से 10 किलो।
सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. शेयर दिस वीडियो. जिन जिन लोगों के घर पे शुगर के पेशेंट बैठे हैं, अस्थमैटिक पेशेंट बैठे हैं, जिन जिन लोगों को कोल्ड कफ कंजेशन बहुत ज़्यादा है, जिनका फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है, जिनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एंड जो लोग वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, कर करके डाइट थक चुके हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है. जिन लोगों को एक पुश चाहिए अपनी इम्यूनिटी में, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक या हल्का सा बाहर निकलती है, उनकी कमर दर्द या फिर उनको खांसी जुकाम बुखार हो जाता है. And thank you so much for watching and I'll see you soon in my next upcoming video जो कि मैं proper लेके आ रही हूँ एक proper specific Ayurveda diet जिसके अंदर एक एक basic step related to Ayurveda है और उसका proper logic. And मैं next video में आपसे मिलती हूँ. Take care जी. Bye bye.